नमस्कार स्वागत है आप सभी का गणेश हेल्प में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई का जो महीना है वो कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला मई मही का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं चाहे वो आपको करियर हो जॉब हो पढ़ाई लिखाई हो स्पिरिचुअलिटी हो अध्यात्म हो प्रेम हो शादी विवाह इत्यादि इत्यादि जो जीवन के सारे क्षेत्र हैं हम उसके बारे में बात करेंगे पर सबसे पहले क्या कुंडली को देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में है किस भाव में है उसके अकॉर्डिंग उसकी गणना करेंगे और फिर देखेंगे हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं और वीडियो के एंड में हम अपने त्योहारों की तरफ भी जाएंगे तो आ जाते हैं सीधे कुंडली के ऊपर देखिए ये जो है कुंडली आपकी मई में आपकी दिखती है आप यहां देख सकते हैं कि गुरु महाराज लग्न के स्वामी होकर लग्न में ही बैठे हुए हैं ये एक विशेष बात है कि यहां पर बारह साल बाद गुरु आए हैं अपनी राशि में और ये यहां पर हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं चामर नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं बहुत ही शुभ स्थिति है साथ में शुक्र भी हैं शुक्र भी बैठे हुए हैं वो मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं तो दो दो महापुरुष योग आपके लग्न में बने हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है ये सदियों में ऐसा होता है वास्तव में कि गुरु शुक्र साथ में उसमें से शुक्र उच्च के गुरु अपनी राशि के तो बहुत ही स्ट्रोंग योग कहां बना हुआ लग्न है लग्न में बना हुआ है प्रथम भाव में बना हुआ है प्रथम भाव क्या होता है प्रथम भाव आप खुद हो आपकी प्रतिष्ठा है आपका सम्मान है समाज में दुनिया में आपकी स्थिति है तो ऐसे में जो लोग इस समय पैदा होंगे जो बच्चे समय पैदा होंगे बहुत भाग्यशाली होंगे बहुत तरक्की उनकी लाइफ में होगी बहुत सारा नेम फेम होगा बहुत इंटेलेक्चुअल या फिर आर्ट के आर्ट का जो फील्ड है उसमें बहुत ऊंचा नाम करने वाले होंगे जिनके जन्म पत्री में ही होगा दो दो महापुरुष योग होने का मतलब यह कि अगर छोटे घर में भी मीन राशि का बच्चा पैदा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक चला जाएगा पर अगर गोचर की बात करें क्योंकि गोचर तो करोड़ लोगों का है तब भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी धन पैसा इस सब वृद्धि को दिखा रहा है इसका मेन इवेंट है इस इस महीने का बाकी देखिए द्वितीय भाव में आपके राहु हैं ये परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में आपके सूर्य और बुध हैं और जो सूर्य हैं उसको बेटर है कि हम आ, ऐसे ही सूर्य लिख देते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं सूर्य सूर्य जो है सूर्य यहां जो है वृषभ में जाएंगे कब पंद्रह तारीख को पंद्रह तारीख से पहले सूर्य आपके द्वितीय भाव में रहेंगे बुध की बात करें तो बुध जो है पूरे महीने आपके तृतीय भाव में वृषभ राशि में रहेंगे पर बुध यहां वक्री हो जाएंगे आपके दस मई से लेकर दो जून तक बुध आपके वक्री रहेंगे चतुर्थ पंचम छठा सातवा भाव खाली है अष्टम भाव में तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं भाग्य का भाव अर्थार्थ भाव खाली है दसवा भाव खाली एकादश भाव खाली है, है। द्वादश भाव में मंगल और शनि गोचर कर रहे हैं आपके शनि का यहां आना एक विशेष बात है जो अभी आई आई है इसको आप साढ़े साथ ही कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्टार्टिंग उसकी और पर चूंकि अपनी राशि में है तो इसके रिजल्ट के बारे में आएंगे और मंगल मंगल जो है कुंभ में आपके सत्रह तारीख तक रहेंगे सत्रह तारीख को ये जो मंगल है वो में में, मतलब कि आपके लग्न में आ जाएंगे तो इस तरह से रहेगी ग्रहों की स्थिति अब इसके रिजल्ट की बात करते हैं देखिए रिजल्ट की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो शनि राहु और गुरु का हो रहा है जिस पर हमको ध्यान देना है तो शुरुआत अगर हम गुरु से करते हैं तो गुरु का परिवर्तन अत्यधिक शुभ है लग्नेश लग्न में ही हो वो भी अपनी राशि में बैठा हुआ है उससे बड़ी क्या बात हो सकती है साथ में उसके एक और, बन जो बना रहे हैं। और गुरु दोनों का ही गोचर प्रथम देखिए भाग्य साथ देगा आपका आपके बड़ों से आपका आशीर्वाद आपको मिलेगा उनकी कृपा से आपको कुछ फायदा रह सकता है प्रेम के लिए व्यापार के लिए क्योंकि इसके ठीक सामने जो भाव है ना वो प्रेम का है शादी विवाह का है व्यापार का भी है बिजनेस का भी है फेम का भी लिए नेम का भी है सप्तम भाव आपका समाज में आपकी प्रतिष्ठा का भी है तो वो सब बढ़ने वाला है हंड्रेड परसेंट पर इसके लिए आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग होने चाहिए और दशा महादशा अच्छी होनी चाहिए यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ भी बड़ी शुभ हैं गुरु की तीन दृष्टियाँ होंगी पांचवी दृष्टि सातवीं और नौवीं पांचवी दृष्टि एक दो तीन चार पंचम भाव पर पड़ेगी सातवीं ठीक सामने और नौवीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि बच्चे को बच्चा अगर आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई संतान आए उसके लिए बहुत बढ़िया है पंचम भाव संतान से रिलेटेड है पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का है आपकी एजुकेशन बहुत बढ़िया रहेगी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा आप जो एफर्ट डालेंगे पढ़ाई लिखाई पे उसका रिजल्ट निकल कर आएगा पंचम भाव स्पेकुलेटिव गेन का भी है स्टॉक मार्केट का भी है और स्टॉक मार्केट के कारक शुक्र भी लग्न में बैठकर मालव नाम का शुभ योग बना रहे हैं तो स्टॉक मार्केट से स्पेकुलेटिव का कसीनो आदि से भी आपको लाभ हो सकता है बहुत ज्यादा संभावनाएं पर कुंडली में योग होना चाहिए इसके साथ साथ पंचम भाव आपके प्रेम का भी है दोस्ती का है फ्रेंडशिप का है जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिंपल जो फ्रेंड्स होते हैं फन फ्रेंड्स दोस्त इन सब का भी है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय यहाँ पर आपका गुरु बनाकर ला रहे हैं इसके साथ साथ पंचम भाव पावर का है पॉलिटिक्स का है क्रिएटिविटी का है अगर आप क्रिएटिव हैं क्रिएटिव फील्ड में हैं आप डिजाइन में हैं क्रिएटिव हैं आर्ट में हैं मीडिया में है किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं पंचम भाव एडवाइजर जो लोग होते हैं उनका भी है टीचर्स जो होते हैं उनका भी है तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा बहुत अच्छा रहेगा गुरु की सीधी दृष्टि शुक्र के साथ मिली हुई सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर प्रेम के लिए बहुत ज्यादा शुभ है शादी विवाह के लिए बहुत ज्यादा शुभ है रिश्तों में मधुरता आएगी अगर आपका कोई कंफ्लिक्ट वगैरह चल भी रहा है तो उसके भी समाप्त होने के चांसेज हैं भले ही मंगल बारे में मैं हो भले ही शनि बारे में मैं जा रही हूँ पर अगर आपकी शुक्र या सूर्य की दशा महादशा है और कुंडली में शुक्र सूर्य अच्छे हैं तो ये आपके जीवन में शादी विवाह को लेकर जा सक ला सकता है पार्टनरशिप किसी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ आपकी हो सकती है बिजनेस काम धंधे के लिए भी ये बहुत बढ़िया योग बन रहा है अब जो गुरु की लास्ट दृष्टि आएगी जो आएगी मित्र की दृष्टि है मंगल उनके मित्र हैं और नवम भाव के वो कारक भी हैं और उसी पे दृष्टि डाल रहे हैं तो विशेष प्रभाव देने वाली होगी पंचम भाव के भी कारक हैं इसी वजह से संतान के मामले में विशेष प्रभाव देने वाले हैं और पिता के लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे पिता के लिए कुछ अच्छा होगा पिता की लाइफ में कोई जर्नी आ सकती है जो उनके लिए अच्छी होगी हेल्पफुल होगी और सत्रह तारीख के बाद पिता से आपको लाभ हो सकता है गुरुओं से आपको लाभ हो सकता है उनकी लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट हो सकता है या आपकी लाइफ में पिता और गुरु से संबंधित किसी चीज़ में बहुत बड़ा लाभ होने का चांसेस बनता है अब्रॉड एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि नाइन्थ हाउस अब्रॉड एजुकेशन का है तीर्थ स्थान का है गुरुओं का है पिता का है ये जो हायर एंड नॉलेज का भी है अगर आपको स्परिचुअलिटी अध्यात्म हायर नॉलेज में इंटरेस्ट है ज्योतिष इन सब में आपको मजा आता है आपको तो उसको आप अच्छी तरह से समझ पाओगे आपके जीवन में कोई सदगुरु कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है वो आ सकता है आप अपने अपने फील्ड का भी कोई ज्ञानी व्यक्ति आपके साथ मिल सकता है आपको साथ दे सकता है इस चीज़ की यहाँ पे चांसेस बन रहा है और आप भी अगर हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हो बाहर जाना चाहते हो पी के लिए कुछ अप्लाई करना चाहते हो या कर रहे हो तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत शुभ है बहुत अच्छा है उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे गुरु की दृष्टि की वजह से आप देखिए शुक्र की बात करें शुक्र मालव्य योग में है यहाँ पर घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का लाभ कराएंगे सामाजिक स्त्री सुख पुरुष सुख सांसारिक सुख आपके जीवन में लाएंगे और छोटे भाइयों से आपको कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा यात्राएं आपके जीवन में लाएंगे कुछ बदलाव आ सकता है कुछ उतार चढ़ाव आ ला सकते हैं क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी हैं पर यहां उच्च के हो गए तो कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ावों के साथ ही सही पर उच्च प्रतिष्ठा दिलाने वाले होंगे स्त्रियों से आपको लाभ रहेगा फीमेल से आपको लाभ रहेगा आपकी क्रिएटिविटी कमाल की होगी आपका सेंस ऑफ फैशन आप जिस तरह से कपड़े पहनते हैं जिस तरह से बोलते हैं वो अनुकरणीय होगा इसके बाद देखिए यह महत्वपूर्ण बदलाव हुए शुक्र के जो बदलाव है उसको और अच्छा करने के लिए स्त्रियों का आदर करें रेस्पेक्ट करें महिलाओं की रेस्पेक्ट करें आदर करें गाय माता की सेवा करें साफ सफाई का ध्यान रखें व्यवहार में शालीनता रखें शुक्र के अच्छे शुक्र के गुण हैं क्रिएटिविटी आर्ट का सम्मान करें दूसरों का सम्मान करें कभी भी रूढ़ ना हो तो शुक्र आपके अच्छे रहेंगे क्लासिकल म्यूजिक को थोड़ा सुने माँ लक्ष्मी की पूजा करें श्री सूक्त का पाठ करें बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा शुक्र को अच्छा करने के लिए गुरु तो आपको अच्छा आपके अच्छे ग्रह हैं ही और लग्न में आ रहे हैं भगवान हरे विष्णु की पूजा करें गुरुवार के दिन मंदिर आदि में कोई सेवा करें आ, चने की दाल या केले का दान गुरुवार को करें पीपल आदि पर आप दीपक आदि भी जला सकते हैं आपके लिए भगवान विष्णु की पूजा गुरु का मंत्र ये हमेशा के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः गाय माता की सेवा गुरुवार के दिन कर सकते हैं उसमें थोड़ी हल्दी आप उनको मतलब आटा है उसमें हल्की सी हल्दी मिला के उनको दे सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए इसके बाद देखिए राहु ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि राहु जो है द्वितीय भाव में आगे वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा वाणी आप ऐसी बोल सकते हैं कि आप उसकी वजह से कोई दिक्कत पैदा हो जाए धन के मामले में एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं आप कहीं बाहर जाने का प्लानिंग बन सकता है घूमने का प्लानिंग बन सकता है और वहाँ पर कुछ आप एक्स्ट्रा प्लेजर के ऊपर खर्च कर सकते है वाणी का ख्याल रखना है खाने का भी ध्यान रखना है सात्विक खाना खाने की कोशिश करना है सेकेंड भाव में अगर राहू है तो नाक है मुंह है गला है यहाँ के जो रोग हैं उनका ख्याल रखना है अगर कोई बात है तो उसको सीरियसली लेना है दांत है ये सब ये जो इलाका है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है उस चीज़ का ध्यान रखना है पैसे के मामले में फैमिली में कुछ आपस में मतभेद रह सकते हैं जिनको आपको प्यार से सॉल्व करना है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए जोड़े ते फिर ना जोड़े जुड़े गांठ पड़ जाए मतलब कि पैसा धन जमीन आदि को लेकर बंटवारे को लेकर कुछ बातें होती भी हैं तो उसको दूसरे का सम्मान करते हुए अपने अभी ये भी नहीं है कि अपना जो आपका सही हक है आप उसको दे रहे हो पर कहीं कही ना कहीं दूसरे का भी सम्मान करना है समझना है रिश्तों को बनाते हुए एक तरह का बैलेंस रखते हुए चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना है गुस्से में नहीं आना है काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है और बात को इस तरह से समझाना है कि उसमें दूसरे का क्या फ़ायदा है उसको भी एहसास हो क्या सोच के आप क्या कह रहे हो अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है ताकि आपके रिश्ते बने रहें इस चीज का ख्याल रखें राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा माँ सरस्वती की पूजा ओम एम महा सरस्वती का जाप करते रहें स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई के लिए भी राहु हल्के से यहाँ पर मन भटकाएंगे मन से बड़ा भयरूपी ना कोई पल, पल पल चलता पल पल रचता स्वांग निराले मन के बहका वे न मन राह भुलाए भ्रम में डाले मन तो ऐसा ही है मन मन की करोगे तो मन तो अपने तरह से मन को खुद पता ही नहीं है वास्तव में करना क्या है सुबह एक्सरसाइज का समय होता है मन सोने की कहता है शाम को कोई प्लानिंग का समय होता है अगले दिन की मन कहता है कि भाई गाने सुन लो इस तरह से तो मन नहीं पता है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे इसलिए मन आपके अकॉर्डिंग चले तो बड़ी बात होगी होना भी चाहिए मन की बात क्यों आ रही है राहु से क्योंकि राहु क्या है नॉर्थ नॉर्ड ऑफ द मून आनंद की तरफ ले जाता है भोगों की तरफ ले जाता है एक्सट्रीम उसकी तरफ ले जाता है साउथ नोड ऑफ द मून केतु है सब कुछ छोड़ दो एक्सट्रीम में चलते हैं राहु और केतु पर हैं क्या मन के ही नोट हैं मन की ही दो एक तरह की देखने वाली छायाएं हैं पर वास्तव में एक ही ऐसी वैसे राहु केतु हमेशा सा आमने-सामने रहते हैं खैर इसके बाद जो दूसरा बड़ा परिवर्तन है वो सूर्य का है सूर्य जो है 15 तारीख तक आपके आ, उच्च के रहेंगे द्वितीय भाव में तो वाणी में जोश रहेगा गर्माहट रहेगी गुस्सा वसा वगैरह थोड़ा बहुत रह सकता है पर सूर्य आपको धन लाभ अवश्य करा सकते हैं गवर्नमेंट आदि से उसके बाद यही सूर्य तृतीय भाव में आएंगे तृतीय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा कहा गया है और सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी है छठे भाव के स्वामी का तृतीय भाव में जाना आप बहुत पराक्रम करोगे हार्डवर्क करोगे मेहनत करोगे कुछ ट्रेवल वगैरह आपकी उसमें आ सकती है और जो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी सूर्य यहाँ से नवम भाव को देख रहे हैं आपके पिता की लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आएगा इसके बाद अगर हम बुद्ध की बात करें, तो बुद्ध पूरे के स्वामी हैं चतुर्थ भाव के स्वामी है माता और पत्नी के साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है माता और पत्नी के साथ होने की संभावना बनती है बंधुओं के साथ भी तो अपना जो जो बात कर रहे हैं वो काफी क्लियर हो उसका मैसेज घुला मेला ना हो और सोच समझ के कहें और थोड़ा जब भी कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित कम्युनिकेशन या कहीं पे आप कमेंट करते हैं या कुछ लिखते हैं तो सोच समझ के लिखें ऐसा ना हो कि उस बात के दो मतलब बन रहे हो तो गलत समझा जा सकता है इन चीजों का ध्यान रखें क्योंकि बुद्ध कैसे रहेंगे वक्री रहेंगे बट डरने की ऐसी कोई बात नहीं है बुद्ध का तृतीय भाव में गोचर शुभ माना गया है चौथे भाव का स्वामी अपने से बारे में जा रहा है तो जन्म स्थान से दूर जाने का चांस बनता है माता की लाइफ में ध्यान रखें उनकी लाइफ में भी कुछ ट्रेवल वगैरह आ सकता है सप्तम का जो स्वामी है वो बुद्धि है वो नवम भाव में बैठा हुआ है तो स्पाउस की लाइफ में पति पत्नी की लाइफ में प्रेमी प्रेमिका की लाइफ में कुछ भाग्यशाली परिवर्तन आएगा जो उनके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा इस बुध बुध की जो दृष्टि है भाग्य भाव पर पड़ रही है अपने आपके स्पाउस से या आपकी माता से आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है और उनकी लाइफ में कोई यात्रा वगैरह भी आ सकती है इसके बाद देखिए अगर हम केतु की बात करें तो केतु अष्टम भाव में आ गए अष्टम भाव में केतु आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म अकल्ट ज्योतिष काला जादू ब्लैक मैजिक टैरो इन सब में रुचि बढ़ा देंगे समाधि कुंडलिनी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी अजीब सी हैं जिनकी पूरी नॉलेज अभी किसी को नहीं है जो ऐसे चीज़ें हैं जो हैं भी और नहीं भी हैं कुछ लोग कहते हैं ये साइंस है कुछ लोग कहते हैं है, लो है, आर्ट है कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही है तो उनकी तरफ जो डीप अनजानी जो चीज़ें हैं अनों की तरफ आपका एक ना कहीं ना कहीं आपका रुझान बढ़ेगा पर मैरिज लाइफ के लिए ये बहुत बढ़िया नहीं है और आपके इन लॉज के साथ रिश्तों में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है इन लॉज की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है अगर केतु की दशा महादशा है तो गणेश जी की पूजा करें उनको गणेश अथवशीष का पाठ करें उनको दूरवा घास चढ़ा सकते हैं इसी के साथ साथ मछली मत्स्य मछलियों का सेवा करें मत्स्य मत्स्य अवतार की कथा सुने ठीक इसी तरह राहु में बराह अवतार की कथा और माँ चिन्नमस्ता की पूजा है केतु में माँ धूमावती की पूजा है गणेश जी के साथ साथ और केतु में इसी के साथ साथ कुत्ते जो होते हैं ना उनके लिए कुछ करना होता है संतों का ख्याल रखना केतु के लिए शुभ माना गया ध्वजा का दान भी केतु के लिए विशेष माना जाता है तो ये केतु का हो गया आपका इसके बाद देखिए मंगल मंगल क्या है भाग्य के स्वामी है भाग्य के स्वामी है और द्वित भाव के स्वामी भाग्य और धन का स्वामी विदेश के भाव में गया हुआ है कब तक सत्रह तारीख तक लगभग आधे महीने से ज्यादा तो देखिए ट्रेवल को दिखा रहा है पिता की लाइफ में आपकी लाइफ की आपकी फैमिली में से भी कोई बाहर जा सकता है खर्चे को दिखा रहा है भाग्य के ऊपर खर्चा हो सकता है पिताजी के ऊपर कोई खर्चा हो सकता है या फिर फैमिली के ऊपर खर्चा हो सकता है या फिर आप ही कहीं बाहर जाएं विदेश जाएं और उसमें आपका काफ़ी एक्स्ट्रा खर्चा हो घूमने फिरने का कहीं प्लानिंग बन सकती है इसको यहाँ दिखा रहा है मंगल बारे में भाव में नींद को थोड़ा करते हैं नींद के लिए बहुत अच्छे नहीं है आपकी आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका से कुछ दूरी बन सकती है फिजिकल सुखों में थोड़ी कमी लाते हैं मतलब आप चाहेंगे तो सही पर वो मिलता नहीं है कुछ इस तरह की हो जैसे पति पत्नी दूर हो तो सिर्फ मन करता है कि वे साथ में बैठे और कुछ अच्छा समय गुजारें पर हो नहीं पाता कुछ इस तरह का या फिर किसी और कारण से विचार ना मिले कुछ कुछ थोड़ा बहुत क्योंकि अगर मंगल की दशा महादशा रही तो ये चीजें तो तो वाणी को थोड़ा कटु करेंगे आपके छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं छठे भाव पर है तो रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे पर कर्ज लेना ऐसे समय में ठीक नहीं है और सप्तम पर है तो पार्टनरशिप में थोड़ी सी आप कहेंगे कंपटीशन काफी रहेगा ईगो का थोड़ा इशू रह सकता है अगर मंगल की दशा महादशा है तो क्या करें हनुमान जी की पूजा करें उनको चोला चढ़ाएं उनको आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं लाल चीजों का मीठा आदि का दान करें और क्रोध पर कंट्रोल रखें कहीं ना कहीं उसको समझें और धैर्य रखें मंगल इच्छा शक्ति है मंगल बहुत सारी एनर्जी है पर एनर्जी को अगर डायरेक्शन न दी जाए तो इधर उधर भटकती है तो उस एनर्जी को आप अपने गोल में लगाइए ध्यान में लगाइए अपने लक्ष्य की तरफ लगाइए ना कि छोटी मोटी बातों में अपनी छोटी छोटी बातों में चिंदी बातों में उनको वहां जीतने की कोशिश करिए ना करिए और करेंगे तो फिर क्या होगा लंबी जड़ाई जो मेन गोल है वहां तक तो एनर्जी बच ही नहीं पाएगी तो इसलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें अपने स्पाउस को अपनी पति पत्नी का ऐसे ही रेस्पेक्ट करें जैसे आप अपनी करते हैं उनकी गलतियों को माफ करना सीखें जैसे आप अपनी गलतियों को क्या करते हैं यही चाहते हैं ना कि आपको समझ जाए और माफ किया जाए आप भी यही कोशिश कीजिए क्या वास्तव में इतनी बड़ी गलती है कि उसके ऊपर इतना बड़ा अगर आपने यह गलती की होती तो आप क्या चाहते हैं कि आपको सजा दी जाए आपको समझा जाए इस तरह से देखिए और दूसरे का सम्मान करते रहिए एक दूसरे का तो अवश्य आपको मंगल की अच्छी चीज तो प्राप्त रहेगी और नेगेटिव को आप कवर कर जाएंगे अच्छी क्या है बहुत सारी एनर्जी यहां से आपको देने वाले हैं आश्रम आश्रम के लिए मतलब कि मेडिटेशन ध्यान आदि के लिए भक्ति के लिए यहाँ पर काफी एनर्जी रहती है आ, इसके अलावा योगा आसन वगैरह जो है उसके लिए मंगल का यहां होना अच्छा है और फॉरेन लैंड विदेश में जाने के लिए भी यहाँ पे योग बना रहे हैं इसके बाद शनि महाराज देखिए साढ़े साथी की शुरुआत हो रही है पर शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में है और कही कहीं ना कहीं विमल नाम का विपरीत राजयोग बना हुआ है और भाग्य के साथ में है हाँ ये जरूर है कि अचानक कोई बड़े निर्णय ना लें कुछ ऐसा निर्णय लें कि जो आप काम करता आ रहे हैं उसको अचानक छोड़ दें सोच समझ के काम करें वाणी का ध्यान रखें वाणी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रही है एक तो वहाँ राहु बैठे हुए ऊपर से शनि की दृष्टि आ रही है मई जून जुलाई मिडिल जुलाई तक वाणी का विशेष धन के मामले में कुछ भी ऐसा निर्णय ना लें जो पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप सोचा नहीं गया किसी के कहने से और ऐसे ही फालतू में कोई मतलब कि जिसका कोई बेस नहीं दिखता इस तरह का कोई बड़ा निर्णय लाए धन का कोई नुकसान हो सकता है शनि यहां से आपको फॉरेन विदेश ले जाने के लिए अच्छे हैं फॉरेन से आपका लाभ करा सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी आदि में आप काम करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा खर्चे जरूर बढ़े हुए रहेंगे यहां से मंगल शनि दोनों की दृष्टि छठे भाव पर है स्वास्थ्य का ध्यान रखें लड़ाई झगड़े के में ना पड़े और स्वास्थ्य का अपना विशेष ध्यान रखें इसके बाद शनि की जो दृष्टि है आपकी भाग्य के भाव पर भी आएगी भाग्य के भाव पर चूंकि गुरु की दृष्टि रहेगी तो ठीक है कुछ खास दिक्कत की बात नहीं है बल्कि और अच्छा ही है गुरु और शनि दोनों की दृष्टि अगर भाग्य भाव पर है तो भाग्य में वृद्धि होगी अब्रॉड एजुकेशन के लिए आपका कुछ आ, यस हो सकता है आपको उसका चांसेस मिल सकता है स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है इसी के साथ साथ पिता की लाइफ में आपके कोई बड़ा परिवर्तन अच्छा परिवर्तन आ सकता है पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए भी ठीक है तो ये हो गया शनि का भी हमने तो हमने देखिए राहु बुद्ध सूर्य शुक्र गुरु केतु मंगल और शनि सारे ग्रहों को देख लिया शनि की रेमेडी के रूप में सबसे पहले तो लाइफ में मेहनत धर्म के पाथ पर चलना समय का पालन ऑर्डर मतलब आपको पता होना चाहिए कल किस समय उठना है फिर क्या करना है पूरा पूरे दिन की एक प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास पूरे हफ्ते की पूरे महीने की इसके साथ साथ अपने चीज़ों को एक बार में नहीं होती थोड़ा सुन सने शनय होती है तो हार नहीं माना लक्ष्य को पूरी तरह से ये नहीं कि अंधा प्रयास कर रहे हैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या पॉजिटिव है क्यों नहीं हो रहा है कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं पर प्रयास कर रहे हैं ये थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं पेशेंस पेशेंस रख रहे हैं पेशेंस रखने का मतलब है कि अपने आप को ग्रो भी कर रहे हैं ये नहीं कि उसी लाइन पे चले जा रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है इसके साथ साथ अपने पूर्वजों की रेस्पेक्ट रखना अपने ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट रखना शनि ट्रेडिशन से जुड़े हुए होते हैं सुबह सुबह टहलना और पैरों की मालिश करना क्योंकि शनि पैर हैं आपके ये भी शनि की कहीं ना कहीं रेमेडी है और जो लोगों का लंगड़े हैं जो लोग किसी वजह से पैर में कोई डिफेक्ट है उनकी सेवा करना वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करना जिनका कोई अंग भंग है उनकी सेवा करना और वो भी रेस्पेक्ट के साथ मन के साथ निष्काम भाव से करना बहुत बढ़िया रहेगा इसके साथ साथ शनि हॉस्पिटल है आपका हॉस्पिटल है जेल है आपका शमशान है यहाँ पर कोई हेल्प करना भी शनि के लिए अच्छा रहता है और गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना हनुमान जी की माँ काली की पूजा करना बहुत बढ़िया शनि की रेमेडीज है तो अब ये देखिए इसके बाद आ जाते हैं हम तो त्योहारों के ऊपर त्योहारों में देखिए तीन मई की अक्षय तृतीया है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है किसी चीज की आप शुरुआत करना चाहते हो तो इसको एक विशेष दिन जो ये होता है अक्षय तृतीया का दिन और इसको अति शुभ माना गया मा लक्ष्मी की पूजा भी हम इस दिन करते हैं बारह तारीख को मोहिनी एकादशी है और छब्बीस मई की आपकी अपारा एकादशी है सोलह मई का आपका पूर्णिमा है पूर्णिमा का व्रत है जो चंद्रमा से रिलेटेड है तेरह और सत्ताईस का प्रदोष व्रत है अट्ठाईस तारीख की शनिवार को शिवरात्रि है चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो हम उन्नीस तारीख की संकष्टी है और तीस मई की ज्येष्ठ अमावस्या है अमावस्या का त्यौहार तो हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है पूर्वजों से जुड़ा हुआ है इस दिन आपका अपने पितरों को याद करना अपने पूर्वजों को याद करना दान पुण्य करना मंत्रों का उच्चारण करना जब तब दान के लिए बहुत अच्छा है ये अमावस्या का अपने घर में सफाई करना कोई ऐसी चीज़ें जो आप यूज नहीं कर रहे उनको दूसरों को दे देना इस बहाने से हम ऐसा कुछ कर भी पाते हैं नहीं तो भूल ही जाते हैं तो ये भी जरूरी है इसके बाद देखिए पंद्रह तारीख की वृषभ संक्रांति है मतलब सूर्य जो है वृषभ राशि में जाएंगे तो सूर्य आत्मा है आत्मा सुपरमात्मा ये भी जब तब दान पूर्वजों को पूर्वजों के बारे में याद करना उनके नाम से कुछ दान वगैरह करना गीता के दूसरे साथ में दस में या कह सकते हैं गीता का पाठ करना उसके लिए संक्रांति का दिन भी शुभ है तो ये हमारे हो गए त्यौहार मई के और राशिफल आई होप आपको ये पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है अति महत्वपूर्ण है ये सहयोग इसी तरह से बना के रखिएगा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें सभी का ख्याल रखें और हाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम ट्विटर आदि का तो फॉलो कर सकते हैं अगले वीडियो तक नमस्कार